नगर निगम सभागार में राजीव युवा मितान क्लब की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। बैठक में टाउनशिप क्षेत्र के पदाधिकारी भी शामिल हुए। यह उन्हें प्रशिक्षण देकर राशि के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी दी गई। राजीव युवा मितान क्लब के अस्तित्व में आने के बाद से ही बड़ी संख्या में युवा क्लब की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सोमवार को टाउनशिप क्षेत्र के क्लब के पदाधिकारियों की बैठक नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में पदाधिकारियों के खाते में आई राशि के खर्च के विभाजन की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि कितनी राशि खेल में खर्च की जानी है, कितने सांस्कृतिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों में। बैठक में क्लब के पदाधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। बैठक की जानकारी राजीव युवा मितान क्लब के जिला समन्वयक आशीष यादव और नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। राजीव युवा मितान क्लब जब से क्रियान्वयन हुआ है, तब से सारे क्लब जो है एक्टिव है हमारी विधानसभा में। आज सेक्टर एरिया के जितने क्लब्स थे उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया था एक प्रशिक्षण के रूप से, ये बताने के लिए कि जो उन्होंने उनकी सबकी राशि जो उनके अकाउंट में आई है कि कैसे खर्च करना है, क्या खर्च का विभाजन होगा, कितनी प्रतिशत राशि खेल पर खर्च करनी है, कितनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर, कितने सामाजिक कार्यक्रमों पर। लगातार भिलाई विधानसभा में राजीव युवा मितान क्लब की नई नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमें रोज़ाना देखने को मिलती है। निश्चित रूप से ये एक्टिविटीज़ आगे आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ेंगी और इसका लाभ सभी लोगों को होगा। देखिए, राजीव मितान क्लब का गठन नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में किया गया है। इसके बाद से जो प्रक्रिया है मार्गदर्शिका के अनुसार से जो काम करना है, उसके लिए शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए इनका प्रशिक्षित किया जा रहा है, इनका ओरिएंटेशन दिया जा रहा है। जो विभाग की जो प्रमुख योजनाएँ हैं उनके माध्यम से इनको जानकारी बताए करके लोगों तक पहुँचाने का काम जो है वो राजीव मितान क्लब के जो सदस्य मेंबर करेंगे। बहरहाल, बैठक में क्लब के भिलाई विधानसभा क्षेत्र और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।